गलती है मेरी गलती क्या है मैं तो यहाँ से भी अभी भी उसमें मेरी गलती क्या है ये तो गोलू को समझना चाहिए बहुत गलत बात है उसको वो मुझे इतना जानती है कि उसे पता होगा अगर मैं गोलू के लिए वो एक घंटे के उसमें नहीं आता होगा क्योंकि चलो तो मान लेती हूँ एक दिन नहीं करी दो दिन नहीं करी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है की पूरे हफ्ते में एक बार भी बात नहीं कर रही हो और काफी सारी क्लिप्स ऐसी देखी है मैंने जहाँ पे बोल रहे हैं की कपड़े आज मैं जरूर अगर ये लाइव बैक होती है तो मैं जरूर देखूंगी की गोलू ऐसे बोल रही है की नहीं बोल रही बताया की गोलू ऐसे ऐसे वहाँ पे मेरे बारे में बोल रही है पता नहीं ऐसा हुआ है कि मैं जरूर वो क्लिप देखना चाहूंगी कि जहां आपको ऐसा लग आपको ऐसा लग रहा है कि गोलू और मानू जी को मेरे खिलाफ भड़का रही है सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो मैं पहली पहली वॉइस में आप लोग का स्वागत है तो यहां पे पे पायल मलिक भड़क चुकी हैं हैं कृतिका वो भी किस लिए भड़की मैं पूरा बताने वाली हूँ उसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा कि ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सब जैसे आपको पता ही है कि अरमान मलिक और कृतिका इस टाइम बिग बॉस के अंदर हैं और पायल मलिक बाहर हैं और पूरी जिम्मेदारी घर का पायल मलिक के ऊपर है वहीं पे एक क्लिप अरमान मलिक और कृतिका का काफ़ी वायरल हो रहा है जिसको लेके किसी ने पायल मलिक को कर दिया कमेंट कि आपकी बुराई तो वहाँ कृतिका भर भर के बिग बॉस के हाउस में कर रही है चलिए मैं बताती हूँ कृतिका ने ऐसा क्या बोला कृतिका का कहना था कि घर से कपड़े आते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि हमारे फैमिली वाले हैं मुझे कितना प्यार करते हैं और कपड़े आते हैं और ये बात पायल मलिक को पता चल गई पायल मलिक का कहना है मैं तो कपड़े भेज रही हूँ मगर वो बिग बॉस के अंदर नहीं पहुँच रहा तो मेरी उसमें गलती है कहाँ पायल का, का वहीं पर भी कहना है कि जब मैं कृतिका के लिए इतने सारे कपड़े भेज सकती हूँ ज्वेलरी भेज सकती हूँ हर एक चीज़ भेज रही हूँ तो क्या मैं अरमान के लिए कपड़े नहीं भेज सकती मैं अरमान के लिए कपड़े भेज रही मगर वो बिग बॉस के हाउस के अंदर पहुंच ही नहीं रहा तो मैं करूं तो करूं क्या अगर कृतिका ने मेरे लिए ऐसा बोला है तो बहुत गलत बात बोला है मैं यहाँ पे चार बच्चे लेके संभाल घर की जिम्मेदारी फिर भी कृतिका ऐसे कैसे बोल सकती है अगर ये बात सच है तो बहुत गलत बात है लेकिन मुझे कृतिका पे भरोसा है कृतिका ऐसा नहीं बोल सकती लेकिन ये बात सच है कीर्तिका ने अरमान को भड़काती हुए नजर आए इनडायरेक्टली पायल का नाम नहीं ली बस कृतिका ये बोली थी घर से कपड़े आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लगता है कोई अपने ने भेजा है तो ये बात तो देखो मुझे लग रहा है इस बात को लेके कीर्तिका और पायल में होने वाली एक कंट्रोवर्सी जब बिग बॉस के बाहर आएगी कीर्तिका तो चलिए ये थी हमारी छोटी अपडेट प्यारी अपडेट वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बताइए अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा